जीवन में कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हम लोग कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से अपने आप को तोड़ देते हैं। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि कुछ प्लान के मुताबिक आप निकले हो लेकिन वो प्लान वर्कआउट नहीं हो पाया और आपके लाइफ में आपको सफर करना पड़ा और जीवन में सफरिंग काफी पेनफुल होता है। दोस्तों जब आदमी टूट जाता है, सिचुएशन में फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है, तो वापस उठना उसके लिए मुश्किल हो जाता है और पता नहीं जब वो उलझ जाता है तो अधिकतर लोग जो है अपने जीवन में उठ नहीं पाते हैं। दोस्तों ऐसे हालात में हम क्या कर सकते हैं, इसी चीजों को लेकर के मैं ये अगला वीडियो आपके लिए बना रहा हूं। मैं दिलीप आउटी, बिजनेस कोच और एक मोटिवेटर, आपको इस उदाहरण के माध्यम से कुछ हेल्प करना चाहता हूं, कुछ लोगों के जीवन में कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहता हूं। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन को भी हिट कीजिए। इस उदाहरण में मैं बताना चाहता हूँ, स्टोरी है एक शराबी को लेकर के, एक एडिक्टेड आदमी को लेकर के जो शराब की लत में अपने परिवार को भूल चुका है, अपने हैप्पीनेस को भूल चुका है, खुद की सेहत को भूल चुका है। और ऐसा एडिक्टेड आदमी आपके जीवन में आपने आपकी सोसाइटी में भी देखा होगा कि जिसको उसकी एडिक्शन को लेकर के और उस एडिक्शन को छोड़ के कोई भी चीज नजर नहीं आती है। दोस्तों उस शराबी के लाइफ में उसकी एक खूबसूरत बीवी है, उसके दो बेटे हैं, लेकिन शराब के हालत को लेकर के वो अपने परिवार का ध्यान नहीं दे पा रहा है और हालात के वजह से उसकी बीवी भी उसका साथ छोड़ चुकी है और कुछ एक समय बाद वो शराबी भी अपने लीवर को डैमेज करके अपने आप को खत्म कर देता है। जब उसके दोनों बेटों को अपने लाइफ को लेकर के कुछ परेशानियां सामने नजर आती है तो वो अपना घर परिवार छोड़ के शहर की तरफ निकल देते हैं और दोनों अलग अलग अपना जो सर्वाइव है वो करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों कुछ साल बीत जाते हैं और कुछ गांव वाले कुछ ही साल बाद वो दो बेटों का इंटरव्यू लेते हैं और दोनों बेटों की हालात को लेकर के उन्हें सवाल पूछते हैं। उसमें से उसका जो एक बेटा है वो बिल्कुल उस शराबी की तरह शराब पी रहा है और कंप्लीटली एडिक्टेड है, और जो सेकंड बेटा है उस बेटे ने अपने पूरे एम्पायर को खड़ा किया है, अपनी सेहत सुधारी है, अपने परिवार का ध्यान रख रहा है और रिलेशनशिप में स्ट्रांग है, हेल्थ में स्ट्रांग है और बिजनेस पर्पस को लेकर भी स्ट्रांग है। एक समय ऐसा आता है दोस्तों कि एक शराबी का बेटा कंप्लीट शराबी हुआ है और उसी शराबी का बेटा कंप्लीटली अपने एम्पायर को बिल्ड किया, शराब की एक बूंद तक नहीं छुआ है। दोनों बेटों का इंटरव्यू लेने के बाद गांव वाले उसे पूछते हैं कि आपके ये हालात इस तरीके से कैसे हुए, तो जो एक दोनों बेटों का आंसर था वो बिल्कुल चौंकाने वाला था। दोनों ने सेम आंसर दिया, दोनों ने सेम चीज कही। क्या कहा उन दोनों बेटों ने? उन्होंने कहा जिसका बाप शराबी है, जिसके पिताजी शराबी है, जिसके हालात ऐसे है, उस हालात से और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। यानी शराबी ने कहा कि यदि मेरा पिताजी शराब पीता है, मैंने सभी समय यही देखा है, तो मुझे भी आदत लग चुकी है। और जो नहीं पी रहा था उसने भी बोला जिसका पिताजी शराब पी रहा है, जिसके घर में रोज एडिक्टेड आदमी आ रहा है, तो एक शराब आदमी को खत्म करती है, मैं क्यों उस शराब को छू। यानी परिस्थितियां सेम है लेकिन अप्रोचेस डिफरेंट है। आपके जीवन में भी आपने देखा होगा कि सेम सर्कमस्टेंसेस है, सेम परिस्थितियां है, लेकिन कुछ एक लोग हैं कि उन लोगों ने अपने आप को तोड़ा है और कुछ एक लोग हैं कि जिन्होंने नए रिकॉर्ड बनाए हैं। अंडर द सेम सर्कमस्टेंसेस कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और कुछ लोग अपने आप को तोड़े हैं। यानी जो गरीबी है, जो सिचुएशंस है, यह परिस्थिति की नहीं है। जो गरीबी है, जो सिचुएशन है, यह मनस्थिति की है। जो आदमी मन से हारता है वही आदमी रन से हारता है। जो आदमी अंदर से टूटता है उसी आदमी को बाहरी दुनिया तोड़ देती है। सो सबसे पहले यदि बिजनेस, व्यापार में, लीडरशिप में आपको आगे जाना होगा तो याद रहे मेरे दोस्तों, आपको सबसे पहले इंटरनल अपने पावर को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने इंटरनल माइंडसेट को मेंटली टफ बनाना है। जब आप इंटरनल टफ बन जाते हो तो बाहरी दुनिया, आउटर वर्ल्ड आपका कोई भी चीज, आपको कोई भी हार्म नहीं कर सकती है, आपको आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। सो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, तभी आप बाहरी दुनिया में जीत हासिल कर सकते हो। अपने अप्रोचेस बदल दीजिए। जब आप आपका अप्रोच बदल दोगे तो परिस्थितियां बदलती हुई नजर आएगी। आपने इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लेकिन आप चाहते हो
किसी सामान्य आदमी एक सोच की वजह से बैठा है कि मेरे हालात अच्छे नहीं, मेरी परिस्थिति अच्छी नहीं है और मैं बदल नहीं सकता हूँ। आप यदि किसी की मदद करना चाहते हो तो इस वीडियो को उन तक पहुँचाइए, यही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मैं टीम दिलीप औटी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।